यहां पर जो दोस्तों यहां पर लोन एप्लीकेशन होने वाली है, इस लोन एप्लीकेशन से दोस्तों मेरे को यहां पर जो लिमिट मिली है वो भाई मेरे को यहां पर लिमिट मिली है 25,000 रुपए की। यहां पर दोस्तों आप सभी के पास में यहां पर देख पा रहे होंगे, आप यहां पर जो मेरे यहां पर 21,500 रुपए है इसको दोस्तों मैं यहां पर आपके सामने यहां पर लाइव प्रूफ आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। यहां पर दोस्तों पूरी वीडियो में आपको यहां पर लाइव प्रूफ बिल्कुल करके दिखाने वाला हूं। अपने जो भी मेरे को लिमिट मिली है वो दोस्तों यहां पर मेरे पास में यहां पर 25,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, और भाई यहां पर जो अमाउंट मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं वो भाई यहां पर 21,500 की यहां पर लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूं। यहां पर जो दोस्तों यहां पर लोन की एप्लीकेशन होने वाली है भाई, ये जो लोन की एप्लीकेशन आपके पास में होने वाली है, यहां पर दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन से जितने भी रुपए की आपको लिमिट मिलती है, इस लोन एप्लीकेशन से आपको यहां पर जो लिमिट मिलने वाली है फर्स्ट टाइम में 1,000 रुपए से लेकर दोस्तों आपको यहां पर 5 लाख रुपए तक आपको यहां पर लोन की लिमिट आपको यहां पर मिलने वाली है। और भाई जितने भी रुपए की आपको यहां पर लिमिट मिलेगी वो दोस्तों आपके लिए यहां पर 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री होगी। अगर भाई आप 1 महीने के अंदर अंदर इस लिमिट को आप अपने यहां पर रिपेमेंट कर देते हो तो भाई यहां पर दोस्तों आपको यहां पर 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये दोस्तों जो लोन एप्लीकेशन होने वाली है आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है, यहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार लोन एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है। अगर भाई आप लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो और भाई वो भी दोस्तों यहां पर बिना ब्याज के, तो भाई ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई यहां पर लोन एप्लीकेशन आपको यहां पर 1 महीने के लिए आपको यहां पर फ्री आपको यहां पर लिमिट प्रोवाइड करवाती है। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ यहां पर 2% यहां पर आपके पास में यहां पर डिडक्ट होती है जो आपके यहां पर प्रोसेसिंग फीस होती है वो। मेरे केस में जैसे कि यहां पर मैं 21,500 रुपए की लिमिट लेने वाला हूं, जो भाई यहां पर टर्नओवर मैंने यहां पर रखा है वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्नओवर अगर भाई आपको रखना है तो रख सकते हो। अगर भाई आप दोस्तों इसको यहां पर 1 महीने के अंदर अंदर इसको यहां पर रिपेमेंट करना चाहते हो तो भाई आप वो भी दोस्तों यहां पर कर सकते हो, जैसा कि यहां पर मैं अभी आपको यहां पर करके दिखाने वाला हूं। वैसे दोस्तों यहां पर 9 मंथ का मैंने यहां पर टर्नओवर रखा है और भाई जो यहां पर मेरी ईएमआई होने वाली है 2,859 रुपए की मेरी यहां पर ईएमआई होने वाली है। अगर भाई मैं इसको यहां पर अगर भाई मैं इसको यहां पर 1 महीने के अंदर अंदर रिपेमेंट कर देता हूं तो भाई दोस्तों यहां पर आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे 0% इंटरेस्ट के साथ में आपको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। जो रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी 21,500 रुपए की आपको यहां पर रिपेमेंट आपको यहां पर करनी पड़ेगी। यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन एकदम बिल्कुल न्यू होने वाली है, एकदम दोस्तों यहां पर जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होने वाली है। अगर भाई आपको यहां पर जरूरत है, आपको पैसे की नीड है तो भाई ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए यहां पर बेस्ट होने वाली है। अगर भाई आपको इस लोन एप्लीकेशन से एक बार लोन की लिमिट आपको मिल जाती है तो भी आपकी जो यहां पर लोन की लिमिट मिलने वाली है आपको 1,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको यहां पर लोन की लिमिट आपको यहां पर इस लोन एप्लीकेशन से मिलने वाली है। भाई मैं दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लाइव प्रूफ दोस्तों ये लिमिट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। भाई मैं पूरा प्रोसेस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने अपनी जो लोन एप्लीकेशन है उसका दोस्तों यहां पर अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है, जैसा कि दोस्तों यहां पर आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे। भाई एप्लीकेशन दोस्तों यहां पर आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है, जो भाई आपको यहां पर फर्स्ट टाइम में जो आपको यहां पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है वो दोस्तों आपको यहां पर 5 लाख रुपए तक आपको यहां पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। यहां पर दोस्तों आपको यहां पर स्टार्टिंग में दोस्तों आपको यहां पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 5 लाख रुपए तक आपको दोस्तों यहां पर लिमिट प्रोवाइड करवाई जा रही है। बात करें अगर भाई हम इसके यहां पर टर्नओवर की, तो भाई आपको यहां पर फर्स्ट टाइम में आपको यहां पर 3 महीने से लेकर दोस्तों आपको यहां पर 36 महीने तक आपको यहां पर टर्नओवर देखने को मिल सकता है। हम दोस्तों लोन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन आपको यहां पर फ्री इंटरेस्ट यहां पर आपको यहां पर लोन प्रोवाइड करवा रही है। अगर भाई आपको यहां पर लिमिट मिल जाती है तो दोस्तों यहां पर 1 महीने के अंदर अंदर अगर भाई आप यहां पर रिपेमेंट कर देते हो तो भाई आपको यहां पर 1 भी रुपया इंटरेस्ट का नहीं देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों यहां पर 0 यहां पर इंटरेस्ट आपके ऊपर लगने वाला है। बस दोस्तों आपके पास में यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, वो दोस्तों यहाँ पर 2% आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। मेरे केस में जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बिल्कुल यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अगर भाई आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर दोस्तों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों अभी आप यहाँ पर वेट कर लीजिए। एप्लीकेशन के बारे में अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे भाई आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा।
सबसे फर्स्ट टाइम है दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो भी आपको मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद में जो भी दोस्तों आपके यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी पड़ती है। मैंने दोस्तों इसकी यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, मैंने इसकी केवाईसी सब कुछ कंप्लीट करवा रखी है। फाइनली जो मेरे को यहाँ पर अमाउंट मिला है उसको दोस्तों मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ लाइव। यानी कि आप ये बोलते हो कि भाई कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, किसी भी लोन एप्लीकेंट से आपको नहीं लोन मिलता है या फिर हमें लोन नहीं मिलता है, तो भाई हमें कैसे लोन मिल चुका है वो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और भाई इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करोगे फर्स्ट टाइम में आपके पास में यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है। मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर पहले ही बताया जो भी यहाँ पर लोन एप्लीकेशन होने वाली है वो दोस्तों आपको यहाँ पर 30 डेज के लिए आपको यहाँ पर जो लिमिट आपको मिलने वाली है वो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री होने वाली है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ और भाई एप्लीकेशन में आपको जितने मेरे को लिमिट मिली है उसको अपने बैंकों में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो 25,000 रुपये की लिमिट है और भाई यहाँ पर नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो 23,301 रुपये जो मैं यहाँ पर अभी अपने बैंकों में ट्रांसफर कर सकता हूँ अगर भाई मेरे को यहाँ पर करने हो तो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अगर भाई आपको यहाँ पर लिमिट ये लिमिट आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है तो भाई यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा गेट इंस्टेंट फंड। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से 1,000 रुपये से स्टार्ट होती है और जो जितने भी रुपये की आपको लिमिट की आवश्यकता है, जितने रुपये की आपको यहाँ पर जरूरत है, पैसे लेना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर आप इसको घुमा के यहाँ पर ऐसे कर दोगे। जैसे कि मेरे केस में मेरे को यहाँ पर लेने लिमिट की जो जरूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 21,500 रुपये की मेरे को यहाँ पर जरूरत है, वो मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जैसे चूज करने यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलअप करना है चूज योर EMI प्लान। जैसे कि आपको यहाँ पर आप सभी के सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहा है कि भैया आप यहाँ पर अपना टर्नओवर कितना रखना चाहते हो। मेरे केस में जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर लास्ट यहाँ पर जो मैं यहाँ पर मैक्सिमम रख सकता हूँ टर्नओवर वो दोस्तों यहाँ पर 9 महीने के लिए रख सकता हूँ और भाई यहाँ पर जो यहाँ पर या जो यहाँ पर मिनिमम रहने वाला है मेरा यहाँ पर टर्नओवर वो दोस्तों यहाँ पर 3 मंथ के लिए मेरा यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है। अगर भाई मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर 9 महीने का यहाँ पर टर्नओवर रखता हूँ तो भाई यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर EMI होने वाली है, जो मेरी यहाँ पर EMI रहने वाली है 2,859 रुपये की मेरी यहाँ पर EMI रहने वाली है, 21,500 रुपये की यहाँ पर लिमिट होने वाली है जो मेरे बैंकों में ट्रांसफर की जाएगी वो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया है 3 महीने का मैंने यहाँ पर टर्नओवर कर दिया है, उसमें मेरे को यहाँ पर जो EMI देने वाली जो देनी पड़ेगी वो भाई यहाँ पर 7,711 रुपये की मेरे को यहाँ पर EMI देनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों ये सभी यहाँ पर जानकारी देखने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंटिन्यू का आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो चुका है। कंटिन्यू पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देख लेनी है कि भाई जितने रुपए की आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट वो दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर आ जाएगा। फाइनल जो आपका अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो आपके ऊपर के साइड में यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और भाई यहाँ पर नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 21,432 रुपये आपको यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर की आपकी डेट है, 3 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा अगर भाई आप इसका यहाँ पर लाभ उठाना चाहते हो 0% इंटरेस्ट के साथ में। अगर भाई आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई आपकी जो EMI है वो दोस्तों यहाँ पर 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी अगर भाई आप यहाँ पर 3 तारीख को नहीं पेमेंट करते हो। अगर भाई आप यहाँ पर कर देते हो तो भाई आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर 300 से 400 रुपये लगने वाले हैं 1 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये 21,500 रुपये का आपका यहाँ पर लोन हो रहा है। अगर भाई आप यहाँ पर 3 मंथ के लिए इसको लेना चाहते हो तो भाई जो आपकी यहाँ पर फर्स्ट EMI होने वाली है 8,099 रुपये की आपकी यहाँ पर फर्स्ट EMI रहने वाली है। टर्नओवर दोस्तों आपके यहाँ पर 3 महीने का रहने वाला है। जो भी आपको यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा वो दोस्तों आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क करती है। भाई मैं एप्लीकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट को अपने बैंकों में ट्रांसफर भी करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक का आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा, आई एग्री पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। नीचे की साइड में यहाँ पर गेट फंड पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है। जो भी आपने बैंक डिटेल दे रखी होगी वो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी के सामने यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बैंक नेम आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर रिचेक आप यहाँ पर कर लीजिए कि भाई यही जो आप बैंक अकाउंट है इसमें लेना चाहते हो या फिर आपने में किसी अन्य बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। अगर भाई आप दूसरे में लेना चाहते हो तो भाई यहाँ नीचे की साइड में यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टू चेंज बैंक अकाउंट के लिए खेर पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आपकी बैंक की डिटेल होगी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। जैसे ये काम करोगे दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मेरे पास में यहाँ पर मैसेज आ चुका है जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो मेरी यहाँ पर लिमिट है वो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही मिनट के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। मैं दोस्तों अभी यहाँ पर लाइव प्रूफ बिल्कुल यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अगर भाई आपको यहाँ पर जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है वो दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है तो भाई यहाँ पर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड क्रेडिट रिपोर्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरे केस में जैसा कि मेरा यहाँ पर जो यहाँ पर सिविल स्कोर रहने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर 750 यानी कि 755 मेरे यहाँ पर सिविल स्कोर रहने वाला है एक्सीलेंट जैसे कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाना है जैसे कि मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बिल रहने वाला है यानी कि 3 तारीख को मेरा यहाँ पर बिल जनरेट हो जाएगा और भाई यहाँ पर मेरे को यहाँ पर 3 तारीख को उसका रिपेमेंट मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर अवेलेबल लिमिट पहले यहाँ पर 23,000 कुछ रुपये दिखा रहा था और भाई जो अब दिखा रहा है 1,801 रुपये की यहाँ पर लिमिट दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 अक्टूबर को मेरे को यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा 21,392 रुपये का मेरे को यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। अगर भाई आप दोस्तों यहाँ पर EMI देखना चाहते हो कि भाई आपको यहाँ पर कब को यहाँ पर आपको पेमेंट करना है तो भाई दोस्तों यहाँ पर EMI पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन से मेरे को यहाँ पर 2 लोन चल रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोनों की दोनों लोन एप्लीकेशन मेरे को यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर 3 अक्टूबर को मेरे को यहाँ पर बिल जनरेट हो जाएगा उसके बाद में 21,392 रुपये मेरे को यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। भाई लोन एप्लीकेशन यहाँ पर बिल्कुल एकदम जेन्युइन है। लोन एप्लीकेशन का नाम में दोस्तों अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एप्लीकेशन का जो दोस्तों यहाँ पर नाम होने वाला है स्टेशफिन पर्सनल लोन एप्लीकेशन यहाँ पर नाम होने वाला है। प्ले स्टोर पर दोस्तों आपको आसानी से मिल जाएगी या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जाके दोस्तों वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों लोन एप्लीकेशन एकदम जेन्युइन है एकदम दोस्तों यहाँ पर न्यू लोन एप्लीकेशन होने वाली है। एक बार दोस्तों इसमें आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेफर कोड आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर या फिर आपको स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। रेफर कोड दोस्तों आप यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। तो भाई आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर भाई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।